ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 15वें दिन का महात्म सुनाएंगे। अहोय अष्टमी पूजन तथा एकादशियों कार्तिक मास एवं प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज प्रथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है, कांतिपुर में चौर नाम एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा की मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान की वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया अथवा कोई यज्ञ आदि किया है? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सी द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन को रोपण, एकादशियों का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप सतत करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जो ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग ना हो जाए इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वां दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिपकर आया और भोजन उठाकर ले गया। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वरमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए थे। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ बैकुंठ को ले गए। चौल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर
राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर उपेक्षित खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निष्फल गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञादि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी। अतएव अपना संपूर्ण राजभार, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, इसी कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चौल राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्नि कुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्रीहरि के निकट रहने लगे। इसी के साथ 15वें दिन का महात्म संपूर्ण होता है। कार्तिक मास की सभी महात्म को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।